तलवार है। मैं वायुसेना से रिटायर्ड हूँ और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। हमारे संज्ञान में कुछ खबर आई है जो कि यूट्यूब के ऊपर एक कुछ चैनल हैं जो कि दिल्ली पुलिस और हमारी झड़प के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसके के अंदर एक औरत जो है घायल भी हो गई है, एक जवान घायल हो गया है, कई औरतों को चोटें आई हैं। ये खबर जो है कोई 21-22 घंटे पहले पब्लिश की गई है। चैनल का नाम मैं आपको बताऊंगा सर, उसको प्ले भी कर दूंगा। ये चैनल है इंडिया रोजगार समाचार, इसने 21 घंटे पहले खबर डाली है। इसका जो कितने लोगों ने देखा है इसको अभी तक 9,700 लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये जो है नहीं, मैंने वहाँ डेल्टा आपको बताता हूँ, आगे भी बताता हूँ मैंने क्या एक्शन लिया है इसके ऊपर, मैं वो भी बताऊंगा आपको। इसने जो इसका टॉपिक डाला है वो है ओ आर ओ पी टू लेटेस्ट न्यूज, खुशखबरी, ORP2 आ गया एरिया भी, ORP2 आगे कुछ है और इन्होंने एरियर है लेकिन उसने एरिया लिखा है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि दिल्ली पुलिस और हम जो पूर्व सैनिक यहाँ पे बैठे हैं हमारे बीच में कुछ वो झड़प हो गई है, जिसके के अंदर एक जवान घायल हो गया है और औरतों को भी चोटें आई हैं। ये बहुत ही मतलब ऐसी खबर है कि इसके बारे में जो है मैं आगे बता रहा हूँ आपको रिपोर्टिंग के बारे में। इसके लिए हमने बहुत सीरियसली इसको लिया है क्योंकि कल भी ऐसी खबरें और भी आई हैं जो कि दूसरे वीडियो हैं लेकिन वो इतने वो नहीं रखते। ये जो है झड़प का है, जो पूर्व सैनिक यहाँ पर नहीं है, जो पूर्व सैनिक बाहर हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर बैठे हुए हैं उनके ऊपर इसका जो वो पहुँचेगा, इमोशंस जो है इस समय हाई हैं। हम लोग 20 तारीख से यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे पूर्व सैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके वो लोग भी देख रहे हैं इस समय 9,700 जैसे मैंने आपको बताया देख चुके हैं, तो उन्होंने से कितनों ने आगे शेयर कर दिया होगा, कईयों ने वीडियो डाउनलोड करके इसका भेज दिया होगा। तो इसका हमने बहुत सीरियसली लिया इसको और मैं DCP साहब से मिलने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने गया था, वो छुट्टी पर हैं। तो Delta 3 जो इंस्पेक्टर नंबर 3 है वहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट में, मैं उनसे मिल के आया हूँ, उनको पूरा वीडियो भी दिया है और इसका लिंक वगैरह भी भेज के आया हूँ। और उनको मैंने ये उन्होंने कहा कि हमें रिटर्न में दे दो, मैं उनको रिटर्न में भी अभी एप्लीकेशन जो है लिख के DCP के नाम से दे के आ रहा हूँ कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर पुलिस ही कंट्रोल लगा सकती है। हम किसके पास जाएंगे, हमें नहीं पता कौन है ये। इंडिया रोजगार समाचार ये यूट्यूब चैनल है, मुझे नहीं पता उनमें से कोई यहाँ पर भी हो तो हम नहीं जानते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट करें कि आप रोजाना यहाँ पर आते हैं, यहाँ इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। दिल्ली पुलिस के साथ हम सहयोग कर रहे हैं और उनका हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग है, एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ हम लोग पेश आ रहे हैं। यही मेरी तरफ से जो इनपुट था वो है। अब जो है हमारे नेशनल एडवाइज़र सूबेदार मेजर गोसल साहब आगे PC को चलाएंगे। सर 27वां दिन है आज, अब क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन, कोई संकेत, कुछ पॉजिटिव न्यूज कुछ मिली है जवानों के लिए? नहीं जी बिल्कुल, अजय कोई भी सानू कोई सरकार की तरफ से कोई सद्दा पत्र या कोई अधिकारी या प्रशासन अधिकारी हमारे पास नहीं पहुंचा है, ना ही हमारे को कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है सरकार की तरफ से। और बाकी तो ये आपको पता ही है, डेली हम बताते ही हैं कि हमारा जिहड़ा धरना प्रदर्शन है संकेतक है, ये कंटिन्यू चल रहा है, कब तक चलता है ये तो अभी देखना है। और हमारे सैनिकों का जिहड़ा गुस्सा और फूट रहा है, सरकार को जल्दी इसके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है, नहीं तो फिर उसका सरकार को जो है इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हमारी ये जो स्टेज कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं और हमारे कोई साबका सैनिक किसी ना किसी पार्टी के भी है, ये नहीं कहते भी हरेक बंदा नहीं नॉन पॉलिटिकल है, कोई किसी ना किसी पार्टी के जुड़िया होया, कोई आम ना जुड़िया, कोई BJP ना जुड़िया, कोई कांग्रेस ना जुड़िया कितने ना कितने, लेकिन ये जो स्टेज है बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल स्टेज है, यहाँ पर हरेक साबका सैनिकों के मुद्दे जोड़े भावनावान जुड़िया हुई ने, भाएं वह किसी भी पार्टी ने जुड़िया, लेकिन फिर भी इतने वो आ रहे हरेक BJP भी जड़िया संस्थावान जुड़िया ने, वह भी साड़ी सपोर्ट च आ रही ने, क्योंकि मुद्दा जो पोलीटिकल मुद्दा नहीं है, ये पोलीटिकल स्टेज नहीं है, ये साढ़े संविधानिक साड़ी बराबरी का अधिकार जो दिता संविधान ने, असं वह मंगण आए हैं सरकार तो कि सानू भी जरा
बराबर का अधिकार दिता जाए, इक्वल MSP, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल पे फैक्टर, बस ये तीन चार हमारे मुद्दे हैं। तो सरकार को इसके ऊपर जल्दी तो जल्दी सिग्नल ले, नहीं तो हमारे सबका सैनिकों के बहुत ज़्यादा गुस्सा जोड़ा वा ये पनप रहा, और यदा कोई ऐसा ना हो जैसे कि गलत वीडियो भी पड़ रही ने उत्तों साढ़े सबका सैनिक गुमराह हो गए, कहीं ना कहीं अनडिसिप्लिन काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, तो ये जो ऐसे ऐसे जोड़े गलत अफवाह फैल रही ने उन्हों का भी अभी ख्याल रखना, और पूरे देश के सबका सैनिकों मैं दसना चाहता कि यहोजी अफवाहों तो बचना है। जो भी अगर तू कोई यहोजी अफवाह आँदी है, वीडियो आँदी है, जो मैसेज आता वा साड़ी आ स्टेज के उत्तों कन्फर्म करना है। बाकी साडा पुलिस प्रशासन बहुत सहयोग दे रहा, तो वधिया तरीके ना साडा जिहड़ा संविधानक धरना चल रहा, जिन्नी कि साडे नूं परमिशन हुंदी आ 50-100 बंदे दी, उन्ने ही बंदे इत्थे आ रहे ने, वध बंदे असीं आउण तों गुरेज कर रहे हैं, सानूं फोन आ रहे हैं पूरे दूजिया स्टेटां तों। अज जिहड़ा सामली तों जथा आया उत्तर प्रदेश सामली तों, ये पूरी एक बस लै के आए आ, 70-80 बंदे आए आ, और इन्होंने कहा कि साडा 3-4 हज़ार बंदा वेटिंग च आ, वो आना चाहता सीगा, लेकिन असी उन्होंने नहीं लैके आए क्योंकि सानू जिहड़ी परमिशन आ इत्थे 150 बंदे दी परमिशन है, इस करके असी प्रशासन का साथ दे रहे हैं और प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा, बाकी ये संघर्ष जिहड़ा वा चलेगा कंटिन्यू, अभी देखते हैं सरकार। मैंने आपको बताया कि जहाँ गर्म दलिए भी आने हैं, दर्ब दलिए भी आने हैं, हरेक तरह के सबका सैनिक हरेक पोलीटिकल पार्टी नू बिलोंग करते हुए भी जिहड़ियां संस्थां वही आउणगियां, और पोलीटिकल पार्टियां मैं जिहड़े अपने सबका सैनिक ने उन्होंने ये दसना चाहता कि इस स्टेज के उत्तों कोई भी पोलीटिकल पार्टी का कोई इहोजिहा लैक्चर ना दिता जाए कि असीं फलानी पार्टी नू बिलोंग करते हैं, असीं फलानी नू करते हैं, क्योंकि यह धरना साडा जिहड़ा वा अपने हकी मंगा वास्ते है, पूरे 28 लाख सबका सैनिक जिहड़े आ साडियां 6-7 लाख विडो वीर नारियां ने उन्हां दा धरना उन्हां वास्ते असीं संघर्ष कर रहे हैं, तो वह संघर्ष जिहड़ा असीं इत्थों जित के ही उठना है, ये असीं प्रण लैंदे हैं। बाकी जिन्नियां भी देश दीआं जेसीओ जवान संस्था है वह सानू समर्थन कर रही ने, अज सामली तो एक जथा बहुत वड्डा आया, तो इन्हां दा भी असीं धन्नवाद करते हैं। इदां ही कंटिन्यू जिहड़ा असीं स्टेट वाइज असीं इत्थे थकण वाले नहीं हैं, सबका सैनिक जो सैनिक जोड़े आ बार्डर से जाते हैं वो दुश्मन की हार मन के जां गोली तो डर के पीछे नहीं वापस आते हैं, हमने जहां अपने हकी मंगा वास्ते आए हैं वो लड़ाई बार्डर वाली लड़ाई नहीं है, हमारी संविधानिक तरीके की लड़ाई है, हम सरकार से सरकार जो आ माँ वा हमारी, हम माँ से मांगने आए हैं, बच्चा रोएगा तो माँ दुध देगी, हम अपना सरकार के आगे रोने आए हैं कि हमारे साथ जो वधीकियाँ हुई जो अनजस्टिस हुई है ORP 1 दे विच 2 दे विच और जां MSP इक्वल डिसेबिलिटी इक्वल जिहड़ा पे फैक्टर है सब तो बड़ा जिहड़ा साडा कार्ड है कि साडी जिहड़ियां जे ORP रिविजन दे विच पेंशनां नहीं वधियां जी असीं जवानां दीआं वो है पे फैक्टर। आप अभी बोल रहे थे कि सामली में जो 3000 लोग हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो यहां आना चाहते हैं, और इसी तरीके से जो देश में अलग अलग जगह पे जो पूर्व सैनिक हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर सरकार आपको परमिशन नहीं देती है वो आप अपना जो संख्या वाले उसे कैसे दिखा पाएंगे, अगर सरकार हमेशा 50 और 100 नहीं, ये हमारा संकेतक धरना है, संकेतक धरना है, ये समझ लो कि हमारा जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, वर्कशॉप है, जहाँ से देश के कोने कोने तो लोग आ रहे हैं, तो जाके अपने जो पिछले लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, उन्होंने जोड़ा आगाह कर रहे हैं कि सानू अगे बड़ी कोई कॉल आएगी तो हमने उसके लिए तैयार रहना है, और पूरा देश तैयार है, हमारे को फोन आ रहा है, अभी 27 मार्च को हमने वहाँ जा रहे हैं उत्तराखंड, वहाँ एक बहुत बड़ी रैली हो रही है, ऐसे ही पूरे स्टेटों में हमने एक बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसे ही समय आएगा हम सरकार को दिखा देंगे कि सरकार भी संख्या बल देखना चाहती है। हमारी डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग हुई 28 दिसंबर को, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी ये बताया कि आप लोग 4-5 लोग आते हो मीटिंग के, आपको ही प्रॉब्लम है, आप लोग संख्या बल दिखाइए, संख्या बल पहले हम अफसरों के पीछे था हमारा, उनके पीछे हमने लगे, उनके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने हमारे साथ विश्वास, अभी क्या संख्या बल हमारे साथ आ रहा है, अभी सरकार को हम थोड़े अगर देखते हैं, हम अभी बिल्कुल धैर्य से अपना संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हमारे को यहोजा मौका दिया सरकार ने तो ऐसा, अभी हमारे बुलारे भी बोल रहे हैं जोश है बहुत लोगों में, लेकिन हम उनके जोश को हम उनको समझा रहे हैं, जोश के साथ होश, जोश के साथ होश रखना बहुत जरूरी है, हमने कोई भी एक्शन करना है संवैधानिक तरीके से करना है, ऐसा कुछ नहीं एक्शन करना कि हमने आग लगा देंगे, रेलवे कर देंगे, वो कर, ऐसा नहीं, संविधान ने जो हमारे को अधिकार दिए हैं संवैधानिक तरीके से हम अगला प्रोटेस्ट करेंगे,
और जो सरकार को संख्या बल की संख्या बल देखना चाहती है, संख्या बल भी दिखा देंगे। सवाल बड़ा ही जहन में आ रहा है और उठ भी रहा है कि कुछ अफसर की लॉबी ये पूरा वर्ग अफसरों का इसे डीरेल करने की कोशिश कर रहा है। केरला से खबरें आई, आंध्रा से खबरें आई, उत्तराखंड से खबरें आई, यूपी से खबरें आई कि कुछ अफसर लगातार आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल 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 सर बिल्कुल साढ़े धड़े तार पीटो करने की कोशिश हो रही है और अफसर हैड संस्था द्वारा या अफसर द्वारा गाइडेंस साढ़े ही जैसे जो है आगे करके उनको घबरा करके या उनको किसी किस्म का लालच दे के वो निपटना हरेक आज तक इतिहास गवाह हुआ कि जितने भी एजिटेशन चले उसमें जायचों की कमी नहीं रहती है। किसान संघर्ष में भी आपने देख ही लिया था, वो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे सबका सैनिक जिन्होंने अपने हकी मंगा वास्ते अपना संघर्ष लड़ना है उनको सब समझ आ जाएगी ये कौन जायचंद है और कौन हमारे लिए लड़ रहा है। एक मिनट, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं सुबेदार मेजर विजय पाल सिंह, जनपद शामली से पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सैनिक संस्था वेलफेयर समिति से, और ये 780 जवानों को लेकर आए हैं। वैसे बात 3,500 वेटरन्स आने के लिए तैयार थे, हमने कहा क्योंकि यहाँ सांकेतिक धरना है, जब जरूरत पड़ेगी और जो संयोजक हैं जब ये कॉल करेंगे तो मेरा जनपद बहुत छोटा है, 3 तहसील का जनपद है, 3500 वेटरन्स हैं, वीर नारी विडोज हैं, तो जब कॉल करेंगे टोटली यहाँ आ जाएंगे। अभी आप देखिए एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और पूरे इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर 15-15-20 हमारा गुरदासपुर में 30,000 साहब का सैनिक है। उत्तर प्रदेश का धरना चल रहा है, इसमें 75 जनपद है, तो अभी मुजफ्फरनगर जनपद का हुआ था, चली जाएगी संख्या जी 75 की लड़ाई होगी, बिल्कुल बिल्कुल उसकी फैमिली भी है, वो जो ऑर्गेनाइजर है उनको सब सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये ना किसी अधिकारी की लड़ाई है ना कि सरकार से लड़ाई है, लड़ाई है हमारी जायज मांगों की, जिसमें ORP2 में हमारे साथ बहुत ज्यादा विसंगति हुई है और वही हमारी हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुन ले, दिखाएंगे भी और ये अहिंसात्मक अराजनीति हमारे वोटों की भी, और नहीं ये जो 3,500 मैं अपने जनपद में बता रहा हूँ, 2 संसदीय सीट है और 3,500 सैनिक 3,500 परिवारों से और परिवारों के रिश्तेदारों से जुड़े हुए, तो ऐसा सरकार ना सोचे कि एक वोट है एक परी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप बहुत दिनों से देख रहे हैं इस लगातार इस बात को, सूर्य चक्र वाली। मैं ऑनरी कैप्टन सुखविंदर सिंह शौरिया चक्रा पंजाब तो अमृतसर जिले तो, तुम दसिया ना भी इस जगह से बल दी प्रयोग है, साहब दस रहे शांतिपूर्वक धरना चल रहा है अपनिया हकों मांगण खातर, जिहड़ा अफसर ने ते साडे नाल कीता जो भी साडे अलाउंस आ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਬਹਿਰੋ ਕੋ ਸੁਨਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਧਮਾਕੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਧਮਾਕੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਹਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲੜੇਂਗੇ, ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਫਸਰੋਂ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਓਆਰ ਕਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਵੋਟ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏਗੇ, ਹਮ ਇਧਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਆਏਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੇ। ਹਮਾਰੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੀ ਜੈ, ਹਮਾਰੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੀ ਜੈ, ਹਮਾਰੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਹਮਾਰੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੇ